इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके नाइन्थ में कितने मार्क्स आए हैं, एट्थ में कितने आए हैं और सेवन्थ में कितने आए हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि क्या आपके टेंथ में 95-98% आ रहे हैं या नहीं। बच्चों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी टॉप सीक्रेट बुक्स शेयर करने वाले हैं जिसकी मदद से आप क्लास टेंथ में 95-98% स्कोर कर सकते हैं, और साथ में हम आपके साथ वो बुक्स भी शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप क्लास टेंथ से IIT JEE नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हम सिर्फ यहाँ पर दो तीन बुक्स की बात नहीं करेंगे कि भैया एसचंद ले लो, RD शर्मा कर लो, NCERT कर लो, हो जाए काम। इसी बात नहीं करने वाले, हम आपको पूरा डेप्थ में सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बढ़िया सा अनाउंसमेंट और सरप्राइज मिलने वाला है जिसकी मदद से आप आपकी क्लास टेंथ में 95-98% फोड़ोगे और खुद के और पेरेंट्स के लगभग 10,000-20,000 रुपए बचा चुके हो। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये सामने आकर हमको कौन ज्ञान दे रहा है। बच्चों, मैं खुद JEE क्वालिफाइड हूँ और पिछले 7 साल से अपने इंडिया के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूँ जहाँ पर IIT JEE नीट बोर्ड जैसी एग्ज़ाम में टॉपर्स निकाले जाते हैं। हमको पता है कैसे एक एवरेज बच्चे को टॉपर बनाना है, कैसे एक एवरेज बच्चे को IIT JEE या नीट में सिलेक्ट करवाना है। हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों, क्लास टेंथ की स्टार्टिंग में हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो बहुत अच्छा स्कोर करे, 95-98% तक लाए, जिसके लिए वो यूट्यूब पर जाता है, रिसोर्स ढूंढता है। अब उसके पास बहुत सारे रिसोर्स आ गए हैं, बहुत सारी बुक्स का नाम आ गया है, लेकिन अभी भी वो कन्फ्यूज़ है कि यार कौन सी बुक से पढ़ूँ। तो भैया, इसके लिए हम लोग आपके लिए ऐसा टॉप सीक्रेट बुक्स लेकर आए। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको हमारा रिज़ल्ट देखना है ना, तो पुराने वाले वीडियो पर चले जाना, वहाँ पर रिज़ल्ट की कॉपी आपको मिल जाएगी। जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वो आपको एवरेज से टॉपर बनाएगा, आपको ज़ीरो से हीरो बनाएगा। आप बस इन बुक्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे, 95-98 स्कोर करेंगे। और अगर आपको क्लास टेंथ से IIT JEE नीट जैसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो उसके लिए भी हम आपके साथ बुक्स शेयर करेंगे। बच्चों, हमने यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे लिए, एक है हमारा राम और एक है हमारा श्याम। राम ऐसा बच्चा है जिसको क्लास टेंथ में 95-98% लेकर आना है, और श्याम एक ऐसा बच्चा है जिसको ये तो 95-98 लाना ही है लेकिन साथ में IIT JEE नीट जैसी एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है। मतलब टेंथ क्लास से उसको IIT JEE नीट की तैयारी करना है, कॉम्पिटिशन वाला बनना है, ठीक है। अब जो राम है, जो मतलब 95-98% लाना है, तो हमने थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। जैसे कि NCERT से अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो आप तो 70-80 मार्क्स हर सब्जेक्ट में स्कोर कर लेंगे। अगर आप किसी रेफरेंस बुक का सहारा लेते हैं तो वही 80 मार्क्स आपके 80 से 95 तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद अगर आप सैंपल पेपर का सहारा लेते हैं तो आप 95 प्लस भी पहुंच जाते हैं। मतलब मेन चीज़ आती है NCERT, देन रेफरेंस बुक। अब श्याम को क्या ये सब तो फॉलो करना है, लेकिन साथ में कुछ एक दो बुक्स और को शेयर करना है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया हमको ये बता दो कि रेफरेंस बुक कौन कौन सी यूज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो भाई राम, जिसको 98% करना है, सबसे पहले NCERT, उसके बाद एशन, ठीक है। अब जो श्याम है उसको ये दोनों बुक तो फॉलो करना ही, लेकिन साथ में JEE नीट की प्रिपरेशन करना है या NTSC की प्रिपरेशन करना है, तो भैया SC वर्मा भारतीय भवन पब्लिकेशन की आती है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है, 20-30 क्वेश्चन हर चैप्टर में है, वहाँ से आपका फिजिक्स पूरा IIT JEE नीट लेवल का प्रिपेयर हो जाएगा। आप किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में बैठते हैं, इन बुक्स को पढ़ो, भैया आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, किसी बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता नहीं है। अगला आता है हमारा केमिस्ट्री। भैया केमिस्ट्री में भी NCERT पढ़ना है और एशांत है, इससे आप 98% आएंगे। अब एशांत हम क्यों बता रहे हैं, ठीक है। आपके पास दो बुक का ऑप्शन हम देते हैं, एक एशांत है और एक दिनेश पब्लिकेशन की भी आती है, मतलब दिनेश की बुक भी आती है, वो भी बहुत बेस्ट है। इन दोनों बुक में खासियत क्या है ना, इसमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छा डिस्क्राइब करा है, ऐसी लैंग्वेज में जो बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। आज का ज़माना है केस स्टडी का, MCQ क्वेश्चन का, तो MCQ क्वेश्चन या केस बेस के लिए ना आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
तो उसके लिए क्या होता है ना कि आप अगर एश्चान को या फिर दिनेश की बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक कंसेप्ट, उसका हर एक पॉइंट, हर एक छोटा पॉइंट भी समझ में आएगा, ताकि आप केस स्टडी, असर्जन रीजन, एमसीक्यू जैसे क्वेश्चंस में भी बहुत अच्छा फतेह कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको आईआईटी जेई नीट के लिए बुक चाहिए, एके सिंह की बुक आती है हमारे पास भारती भवन की, वहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बच्चों बारी आती है बायो की, तो बायो में हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं राम की। भैया राम को पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी और एश्चान। एश्चान पढ़ लो, इसके बाद हम चाहे तो या तो एश्चान पढ़ेंगे या तो क्या पढ़ेंगे, दिनेश। उसके बाद वहीं पर श्याम की बात आ जाती है जो नीट की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास क्या सृजन पब्लिकेशन की आती है कॉम्पैक्ट बायोलॉजी, जिसमें बहुत ही प्यारे तरीके से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करा है, पूरा फ्लो में बताया हुआ है सब कुछ। उसके बाद उसके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन भी हैं। अगले उसमें चलते हैं, आगे आता है मैथ्स। ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है भाई मैथ्स में, एनसीईआरटी तो रामबाण है। उसके बाद अगर आपको सीबीएसई में आज की तारीख में, मतलब अभी जो हमारा फेस चल रहा है इसमें, अगर आपको मैथ्स में 50% के ऊपर भी स्कोर करना है, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, भैया ये बुक में से एक बुक को फॉलो करना है, आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल। और बच्चे पूरे साल भर है ना, 9th के हो या 10th के, वो इसी फाइट में रहते हैं कि भैया आरडी शर्मा करूँ आरएस अग्रवाल करूँ, आरडी शर्मा करूँ आरएस अग्रवाल करूँ, और वो बुक्स पूरी ले लेते हैं, आरडी भी ले लेते हैं आरएस, और करते एक भी नहीं है। इतनी फाइट तो आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल ने भी नहीं करी जितने इसमें बच्चे कर रहे हैं। मेरा पर्सनल सजेशन जो बच्चों को रहता है वो है आरडी शर्मा के लिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स ज़्यादा हैं, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आरडी शर्मा में एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स करने हैं सारे, उससे काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत मोटी बुक होती है, कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताएंगे ना, ऐसा तरीका बताएंगे कि आप एक दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और आपको थकान भी नहीं लगेगी। ऐसे तरीके होते हैं, ऐसे गधे दूरी ना, अरे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, नहीं, स्मार्ट वन। अब वहीं पर अगर आपको आईआईटी की तैयारी करना है तो भैया पियर्सन पब्लिकेशन की आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स की बुक आती है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है, इसके लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल साइंस। सबका डर होता है सोशल साइंस, भैया एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती, ठीक है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो भाई हम है ना, सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आती उसकी लैंग्वेज, बच्चों को समझ में नहीं आती है तो उसके लिए क्या करें भाई। उसके लिए बहुत सिंपल सा है, यूट्यूब पर किसी का भी वन शॉट देखो, दिगराज सर के लेक्चर बड़े हैं लेकिन उनका वन शॉट भी है वो देखो, कोई पेड लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, एक सनलाइट एजुकेशन है वहाँ पर ले सकते हैं, और भी आपको छोटे मोटे चैनल्स मिलते जाएंगे, ठीक, ये है आपके पास, और ऑल इन वन ले सकते हैं। क्या लेंगे हम, ऑल इन वन। हाँ, अब शाम की बात करें जो कि एनटीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, तो भाई अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल इन वन आप ले सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पर सफिशिएंट रिसोर्स मिल जाएगा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आजकल बहुत बढ़िया क्वालिटी में एनिमेटेड वीडियोस आ रहे हैं, वहाँ पर आप पूरा चैप्टर वन शॉट में समझ सकते हैं, उसके बाद ऑल इन वन पर जा सकते हैं। इस बार हम लोग आपके लिए एक बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं, हर एक चैप्टर की बहुत छोटे में समरी दे रहे हैं और वन पेज नोट्स भी देंगे आपको, उससे आपके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में भाई कुछ नहीं, सिंपल सा एनसीईआरटी फॉलो करना है, लेकिन हमको समझ में नहीं आती है तो उसके लिए हम रेफरेंस लेंगे ऑल इन वन, है ना। उसके लिए कौन सी रेफरेंस लेंगे, ऑल इन वन बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। अच्छा, हिंदी के लिए एनसीईआरटी बुक है, और इसके लिए भी क्या है, ऑल इन वन है। बच्चों अब बारी आती है एक बहुत बड़े से अनाउंसमेंट की। यार इस साल ना हम आपके लिए बहुत ही हाई क्वालिटी नोट्स लेकर आ रहे हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप क्लास 10th में 95-98% स्कोर करना चाहते हैं ना, तो आप राइट प्लेस पर हैं और राइट टाइम पर भी हैं, आप एकदम सही समय पर सही जगह पर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर आप साल भर बने रहे तो भैया गारंटी हमारी 95-98% की। और इम्पॉर्टेंट चीज ये पढ़ेंगे, आज सोचेंगे तो कल जीतेंगे, अपने सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। तो बच्चों आपके 95-98% के लिए हमने हाथ बढ़ा दिया है, क्या आप हो आपके संग
तो अपना हाथ सब्सक्राइब बटन पर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।